या एक सेकेंड आप रुक जाएं, बस जो इन्होंने अभी स्पीच में, क्योंकि मुझे रोम में एक वेबिनार था तो मैंने आधी इनकी स्पीच सुनी, तो बहुत आपने अच्छा आप लोग कर रहे हैं रेगुलर ट्विटर ट्रेंड्स के अंदर, क्योंकि ये जो आपने यूथ को जिस तरह की लाइन दी है, दिस इज़ द बेस्ट लाइन टू टेक फॉरवर्ड, कि आप लोग ओनरशिप लें उस कॉज की और आप खुद कॉन्ट्रीब्यूट करें. सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक जी. जी आप सब लोगों के बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड स्पेशली टू मिस्टर ज़मान बाजवा साहब के वो हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, यूथ को मोबिलाइज़ करते हैं और आज का दिन खासा बिजी है सबके लिए. कश्मीर की एक्टिविटीज़ हैं और वेबिनार्स भी चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और सारे मुल्क के अंदर और सारी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की वहाँ पर वेबिनार्स चल रहे हैं. और मैंने अभी एक फ़ोटोग्राफिक एग्जिबिशन का इनॉग्रेट किया मैंने और मेरी सिस्टर ने अभी पिंडी के अंदर, फिर एक और जगह टैबलो से. तो ये आज का दिन, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ सारी पाकिस्तानी कौम की कि आप लोग सिविल सोसाइटी, पब्लिक, ख़ास तौर पे जो यूथ है, जो बच्चे हैं और हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है, दिलो जान के साथ आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो आप दुआओं के थ्रू, चाहे आप प्रैक्टिकली बाहर सड़कों पे निकलें. बिज़नेस कम्युनिटी जो है अपना बिज़नेस बंद करती है, बहुत कुछ जुल्म वगैरह जो भी वहाँ पे हो रहा है उसको आप लोग अपनी तरफ से हाईलाइट करते हैं. मगर मैं समझती हूँ जब से शहरा कटी है, हर दिन जो है वो कश्मीर डे है हम लोगों के लिए, आप सब के लिए, जो लोग इस वक्त आज़ाद हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और चल फिर रहे हैं, आपकी आवाज़ किसी ने दबाई नहीं हुई, आपके प्रेस क्लब्स पे कोई कर्फ्यूज़ नहीं है, इंटरनेट चल रहा है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज के दिन एक पूरा प्लान बनाएं. एंड आई एम श्योर द यूथ इज़ वेरी वेल प्लान्ड, आप लोग अपने टाइम टेबल्स वैसे भी अपनी स्टडीज़ के, अपने करियर्स के बनाते हैं, तो एक प्लान आप कश्मीर के हवाले से अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि आपने एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन कुछ ना कुछ कश्मीर के ऊपर एक्टिविटी जनरेट करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे कहीं पे आप बैठे हों किसी महफिल में, आप टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट एंड एक्सपोज व्हाट इंडिया इज़ डूइंग. ट्रैवल जो कर रहे हैं, जो बाहर के मुल्कों में जिनके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर भी जो ख़बरें हैं कश्मीर के हवाले से, वो रोटेट करें, आप ईमेल्स सेंड करें, आप ऑनलाइन पिटिशंस करें, कर भी रहे हैं काफ़ी कुछ, मगर हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है एक जिस शिद्दत की हिंदुस्तान दहशतगर्दी कर रहा है मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में, 50 लाख इंडियंस को वहाँ डोमिसाइल दे दिए हैं पिछले 2 सालों के अंदर और 8 लाख से 10 लाख तक फौज बढ़ा दी है हिंदुस्तान ने, तो उस शिद्दत, जिस शिद्दत से वो जुल्म करें, मैं समझती हूँ उस शिद्दत से हमें कैंपेन को तेज़ करना है. बीच में ये 2 साल कोविड के आगे, अब अल्लाह करे ये आखिरी वेव हो कोविड की और फुल फ्लेज हम लोग इसको एक ग्रास रूट पे पब्लिक ही कैंपेन चलाएं, बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ पे भी मिलियन मार्चेस करें, बाहर के मुल्कों में भी हम पे, यहाँ से वेव चलेगी तो वो दूसरे मुल्कों में फैलेगी और दूसरे ममालिक के भी लोग जो हैं देख रहे हैं जो जुल्म हो रहा है, मगर बेस कैंप यही है पाकिस्तान, जो वो वाहिद मुल्क है जो ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ खड़ा है हर दुख दर्द में, बल्कि लीगली भी इसका पार्टी है और जो वहाँ हमारी लीडरशिप है, जो हमारी क़्यादत है, जिस वक्त कैदो बंद में है यूथ जो बंद है, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप कश्मीरी यूथ का एम्बेसडर बने और फील फ्री, फील क्रिएटिव एंड ट्राई टू यू नो नॉट बी डिक्टेटेड ऑन कश्मीर, बल्कि आप खुद एक्सप्लोर करें डिफरेंट आइडियाज़ जिसके तहत आप उनके लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इंडिया को एक्सपोज कर सकते हैं और ट्रेंड चला सकते हैं. यहाँ पे आप पे कोई खुदा ना खास्ता कर्फ्यू नहीं है, बल्कि आपके ऊपर एक इनविजिबल ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और मुझे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान के यूथ से और कि आप लोग, आपके अंदर वो जो इनर कॉन्शियस है वो आपको ये याद दिलाता है कि आपने कश्मीरियों की आवाज़ बनना है और उनके हक और सच के लिए आपने काम करना है. तो उस काम करने के लिए यूथ फोरम फॉर कश्मीर भी बहुत काम कर रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हम पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट टॉप यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन वो सारी जो सोसाइटीज़ हैं, बेशक आज छुट्टी है मगर उन्हें ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं और बाहर के मुल्कों के भी स्टूडेंट्स को इंगेज करके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स थ्रू वेबिनार्स किए जा रहे हैं और अपने अपने नौयत की इन्फोग्राफिक्स शेयर की जा रही हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, कोई मुझे पेंटिंग्स भेज रहा है, कोई मुझे, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी आज भेजा है कि हम लोग एक कलेक्टिवली 4-5 स्टूडेंट्स मिल के कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर हम लोग किताब लिख रहे हैं, कुछ ने पोइट्री बुक्स की पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर जो ये इस्टेब्लिश की हैं सोसाइटीज़ हमने.
तो मैं उम्मीद आपसे भी बहुत करती हूँ, आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, द वेरी फैक्ट कि आपका ये इंटरेस्ट है, आप कश्मीरियों के लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं, वहाँ के यूथ के लिए उनकी जानें बचाना चाहते हैं, तो अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कोई अच्छा लॉन्ग सेशन भी बाजवा साहब के साथ, आपके खुद इतने यंग आपके लीडर हैं बाजवा साहब और अहमद कुरैशी साहब, बहुत डायनामिक हैं दोनों इनकी टीम, तो आई एम श्योर कि कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हम लोग हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।